हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। में माथुर्स क्लासेस से रेनू माथुर आज आपके लिए न्यू अपडेट लाई हूँ। आप सबको मैंने पहले ही बता दिया था आईटीआई का शेड्यूल आ गया है, कब फीस जमा करानी है, कब प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और कब सीबीटी एग्जाम होंगे और कब सेशनल्स और अटेंडेंस जाएगी, ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो। आप देखिए नोटिस आपके इस पर दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या है, 2 तारीख का नोटिस है, यानी कि कल 2 तारीख थी, कल का ये नोटिस है आईटीआई की अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा जुलाई 2023 में। 2023 में जो अपने फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे उसके लिए है। देखिए लेटर क्या कहता है, कहता है डीजीटी भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार राजकीय व प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के केवल नियमित प्रशिक्षणार्थियों की एनसीबीटी प्रायोगिक एवं सीबीटी परीक्षा जुलाई 2023 में आयोजित होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 3 जुलाई से प्रारंभ होगी और सीबीटी परीक्षा 10 जुलाई से अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी। वार्षिक पद्धति के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले निम्नलिखित नियमित प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा शुल्क परीक्षा द्वारा स्वयं की एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र कियोस्क के माध्यम से जमा कराने की तिथियां आ गई है। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकल परीक्षा और सीबीटी परीक्षा की डेट तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी। अब अपन को फ़ीस जमा करानी है, फ़ीस जमा कराने की कितनी फ़ीस जमा करानी है, कितनी तारीख से करनी है, इसकी ये न्यू अपडेट आई है। आप देखो कॉलम दिए हुए हैं और कॉलम में दिया हुआ है AITT परीक्षा का विवरण, RCVT द्वारा ली जाने वाली परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा शुल्क और अंतिम तिथि तक ये करना है और संस्थान द्वारा एसएसओ आईडी से आपको ये कराएगा। अब कहने का मतलब साफ साफ है, चाहे 1 साल के विद्यार्थी है, चाहे 2 साल के विद्यार्थी है, चाहे फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे सेकंड ईयर के हैं, उनको 200 रुपये फीस प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए जमा कराने होंगे। कौन से है 200 रुपये, ये आप देखो 200 रुपये है और अपनी एसएसओ आईडी से जाके जमा करनी है। और ये किसकी फ़ीस है, ये अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की 200 रुपये फ़ीस जमा करानी है और कब करानी है, 5 तारीख से 29/5/5, मतलब कि 5/5 से आपके 29/5 तक ये परीक्षा जमा करानी है, अपनी एसएसओ आईडी से करानी है और 200 रुपये जमा करानी है। और ये किसकी है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस है, किसकी है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस है, ठीक है ना। उसके बाद अपने आपके ये आ गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, उन सभी को 200 रुपये फ़ीस जमा करानी है, एसएसओ आईडी से करानी है, 5/5/2023 से 29/5/2023 तक आपको करानी है, ठीक है। अब आपकी डेट आ गई है 5/5 से, यानी कि 5/5 आपकी कब आ रही है, मई है, पांचवा महीना कौन सा हो गया, मई का महीना हो गया और 5 तारीख से ये आपका परीक्षा शुल्क जमा होना शुरू हो जाएगा और 200 रुपये आपको प्रैक्टिकल परीक्षा के 200 रुपये आपको जमा कराने होंगे। उसके बाद क्या हो गया, ये तो 5 तारीख से 29 तारीख तक हो गई, फिर नेक्स्ट बात आ जाती है सीबीटी परीक्षा के लिए। सीबीटी परीक्षा के लिए आपको 213 रुपये फीस जमा करानी होगी, कितनी होगी, 213 रुपये ये सीबीटी परीक्षा के लिए फ़ीस जमा करानी है। इसकी जो है 1/6 से 10/6 के बीच में अपन को करानी है, मतलब 1 जून से 10 जून के बीच में सीबीटी एग्ज़ाम के लिए एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल खुलेगा, तब आपको 213 रुपये फ़ीस जमा करानी है। तो साफ साफ कहने की बात यह है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, 200 रुपये तो आपकी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम की फ़ीस होगी, वो 5 मई से 29 मई तक जमा करानी है। अगर नहीं जमा होती है तो आप जल्दी से जल्दी 5 तारीख ये अपने एसएसओ आईडी से जमा करानी है और सीबीटी एग्ज़ाम के लिए 213 रुपये फ़ीस जमा करानी है, वो एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पर स्टार्ट होगी
और कब होगी, 1 जून से 10 जून के बीच में। तो पहले तो अपन को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के 200 रुपये जमा कराने हैं, 5 मई से स्टार्ट है, 29 मई तक है, और उसके बाद 200 रुपये अपनी SSO ID से जमा होगी, वो किसको जाएगी, RCVT को जाएगी। और फिर CBT एग्ज़ाम के लिए अपन को 213 रुपये फ़ीस जमा करानी होगी, और है जो इसकी NCVT MIS पोर्टल पर जमा होगी। तो ये अपन का ये देख लिया, आज मैंने आपको बता दिया है कि कब एग्ज़ाम होगा और कब नहीं होगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो 200 रुपये फ़ीस है वो SSO ID से जमा करा दीजिए, और फिर अपने CBT एग्ज़ाम की डेट अब आएगी जब अपन उसको जमा करा देंगे। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।